तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट मैं और लेकर के आया हूँ आपके सामने। तो जैसा कि मैं बता दूँ फ्रेंड, हमारे पास एक रेडमी का 6A फ़ोन है, जैसा कि आप जानते ही हो। तो इसमें काफ़ी सारे एरर आते हैं फ्लैशिंग के टाइम में, ऑफलाइन SP फ्लैश टूल के टाइम पर काफ़ी सारे एरर आते हैं। तो वो मैं एरर को आज यहाँ पे प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। जैसा कि देख सकते हैं, पहले मैं फ़ोन को दिखा दूँ। इस फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये फ़ोन प्रॉपरली ओके है, सब कुछ ओके है, इसमें सारा कुछ डन है, ओके है, कोई भी प्रॉब्लम इस फ़ोन में नहीं है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, इस फ़ोन में जो भी एरर आते हैं मैं आपके सामने लाइव, क्योंकि मैं ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी एरर आप में नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे सारा ये भी हमारा कंप्लीट है, सब कुछ ओके है। तो मैं ऐसे ही आपको फ्लैशिंग बताऊंगा कि इसमें कोई भी एरर आपका नहीं आएगा। ये चालू फ़ोन है और मैं आपके सामने लाइव करूंगा। ये वही फ़ोन है जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। तो हम यहाँ पे लाइव फ्लैशिंग करेंगे और SP फ्लैश टूल से करने वाले हैं फ्रेंड। तो अगर आप वीडियो पता है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब जाके आपको प्रॉपर पता चलेगा कि क्या एरर आते हैं, कुछ एरर आते भी हैं कि नहीं आते हैं फ्रेंड। तो मैं आप वीडियो में आप बने रहें, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, जो भी मैं स्टेप कर रहा हूँ स्टेप को फॉलो करिएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे स्मार्ट टेलीकॉम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ये वही फ़ोन है जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो अब यहाँ पे फटाफट हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है फ्रेंड। सबसे पहले हमें जाहिर सी बात है कि हमें फ्लैश फाइल चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है। आप यहाँ पे फ्लैश फाइल भी आप देख सकते हो, फ्लैश फाइल जो मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे V10। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, जो इसका MIUI है वो वर्जन इसका 10 है। और इसके लिए फ्रेंड हमें चाहिए इसकी टूल। तो हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। एक MCT बाईपास टूल की ज़रूरत पड़ेगी, ऑथ बाईपास टूल की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा हमें पड़ेगा इसकी SP फ्लैश टूल, और तीसरी इसकी फ्लैश फाइल। तो हमने यहाँ पे फ्लैश फाइल दिखा दिया। अब यहाँ पे हम टूल को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखिए फ्लैश टूल है, तो इस फ्लैश टूल को हम कर लेते हैं ओपन। स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, कोई भी फेक वीडियो नहीं, हम आपके सामने जो भी कर रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे हम लाइव करेंगे। जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं काम, यहाँ पे हम लाइव करने वाले हैं। तो टूल अगर नहीं खुलता है तो टूल को आप वापस से दोबारा स्टैक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अंदर से ही जाके इसको टूल को ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे टूल पे मैं गया और इस टूल को मैं अंदर से, क्योंकि जो भी एरर है मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, कोई भी फेक वीडियो नहीं है हमारे चैनल पे। तो चलिए, ये हमने टूल को ओपन कर लिया फ्रेंड। टूल को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे अब देख सकते हैं, हमने दूसरा चीज बोला था, पहली चीज तो हमने फाइल दिखा दी, दूसरा चीज हमने टूल दिखा दिया, तीसरा चीज आप देख सकते हैं ये MCT बाईपास, MCT बाईपास ही टूल चाहिए। तो ये टूल भी हम ओपन कर लेते हैं। हम सारा चीज यहाँ पे लाइव करेंगे, जो भी एरर आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा फ्रेंड, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सही फाइल और सही टूल का सिलेक्शन करते हैं तो कोई भी एरर नहीं आने वाला है। तो चलिए, यहाँ पे मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पे टूल खुल गया और ये हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो अब हम टूल में यहाँ पे DA देते हैं। तो DA आप जो टूल यूज करिए वो 1924 यूज करिए, 1924, रिमाइंड में फिर से कर रहा हूँ, जो वर्जन आप यूज करिए 1924। तो यहाँ पे जो टूल है मैं यहाँ पे टूल को दे देता हूँ फ्रेंड। ये देखिए हमने टूल को यहाँ पे दे दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं टूल को हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी फाइल को देना है। तो फाइल को देने के लिए हम यहाँ पे चूज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमारी फाइल रखी हुई है, डेस्कटॉप पे फाइल है यहाँ पे 6A, और ये हमारी देख सकते हैं फाइल है, ये यहाँ पे इमेज के अंदर, ये हमारी स्कैटर फाइल। जैसा कि आप जानते हैं स्कैटर, यहाँ पे ऑथ देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डाउनलोड नहीं रखना है, ये सारी चीज यहाँ पे आप जानते ही जानते हैं। मतलब हमारा टूल चालू हो चुका है, टूल हमारा कंप्लीटली हो चुका है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, अब हमें सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे बाईपास पे क्लिक कर देना है। अब हमें तीसरी टूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर ये MCT टूल यूज नहीं करेंगे तो आपका बाईपास नहीं होगा। तो चलिए, अब हम यहाँ पे इसको वैल्यूम अप डाउन को दबाते हैं और USB केबल इन करते हैं। देखिए मैंने वैल्यूम अप डाउन दबाया है और USB को इन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूम अप डाउन दबाया, मैं फोन को प्रॉपर रख देता हूँ। अब उसके बाद ये टूल में देखिए कोई एरर नहीं आना चाहिए, सारा चीज मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, अगर कोई एरर आएगा तो अभी आपके सामने लाइव एरर आ जाएगा। तो चलिए, अब यहाँ पे हम कर देते हैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक। तो डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं फ्रेंड और आप देख सकते हैं सिंपली, और हमारा ये फ्लैशिंग चालू हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। क्योंकि एरर इसलिए नहीं आया, मैं आपको एरर बताता हूँ, एरर इसलिए नहीं आया फ्रेंड कि अगर हम फाइल गलत लेते हैं, अगर हम फास्ट बूट रोम ले लेते हैं तो भी हमारा एरर आ जाएगा। अगर हम EDL, अगर हम यहाँ पे ब्राउन जो हमारी स्टेबल फॉर्मवेयर है, अगर हमें वही लेना है, हमें फास्ट बूट रोम नहीं लेना है, हमें स्टेबल रोम लेना है, ग्लोबल रोम लेना है, हमें कोई भी फास्ट बूट रोम नहीं लेना है, तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फ्लैशिंग चालू हो गई आपके सामने लाइव, कोई भी एरर नहीं आया। मैंने फर्स्ट टाइम में किया
गया है और जॉब डन हो गया। तो इसका क्या क्या जरूरी है, मैन हमारा टूल होना चाहिए, और हमने कोई भी डीए नहीं दिया, हमने डीए जो दिया है वो हमने टूल का ही डीए दिया हुआ है, और एमसीटी टूल आपका अपडेटेड होना चाहिए। एमसीटी जो बाईपास टूल है, ये देखिए मैंने एक बार पहले क्या क्या किया, फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो फ्लैशिंग चल रही है तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी गाइड कर दे रहा हूँ। तो हमने पहले क्या किया, फाइल आपको दिखाया, फाइल के बाद हमने क्या दिखाया, यहाँ पे आपको फ्लैश टूल दिखाया, फ्लैश टूल के बाद हमने एमसीटी, केवल इतना ही प्रोसेस करना है फ्रेंड। और एनी मीडिया टेक, जो भी चाहे वो ऑनलाइन फोन हो चाहे वो कोई सा भी फोन हो, आप एनी मीडिया टेक का अगर आपका डीए फाइल है तो आप उसको बहुत ही इजीली तरीके से फ्लैशिंग या अनलॉकिंग कर सकते हो। मैंने इसकी एमआई अकाउंट बिना फ्लैश किए हुए, एमआई एफआरपी इसकी मैंने सब डाली हुई है, आप आई बटन में जा करके इसकी वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी रन नहीं है फ्रेंड, क्योंकि हमने जो टूल सेलेक्ट किया वो टूल हमारा परफेक्ट था। हमने एमसीटी टूल किया, हमने पोर्ट को अच्छे तरीके से स्टेबल रखा, और यहाँ पे अगर डिवाइस मैनेजर में अगर आप जाके देखेंगे तो हमारा पोर्ट भी स्टेबल दिखाई देगा फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर जाता हूँ, और डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पोर्ट है वो स्टेबल है, हमारा पोर्ट स्टेबल है। चलिए अभी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि हमारा फोन डेड तो नहीं होता है, और जो हमने सिक्योरिटी की फाइल दिखाई थी वो खराब होता है कि नहीं होता है। तो चलिए ये देखिए फोन लगा हुआ है, ये वही फोन है, मैं आपके सामने अभी लाइव करूंगा, कोई भी फेक वीडियो नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे बैटरी मैंने निकाला हुआ था, आप बैटरी लगा के भी अब निकाल के भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैटरी का स्ट्रिप निकाला हुआ था, अब मैंने यहाँ पे बैटरी इन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं पावर की को प्रेस करता हूँ, और मैं पावर की को प्रेस करता हूँ, और देखता हूँ कि फोन हमारा डेड हुआ, चालू हुआ कि बंद हुआ। तो ये देख सकते हैं वाइब्रेट किया और हमारा फोन 100% सक्सेस हो गया, मतलब चालू हो गया। अब ये देखते हैं कि थोड़ा सा अब इसमें टाइम लगेगा फ्रेंड, क्योंकि ये फ्लैश हुआ है, तो फ्लैश होने में थोड़ा सा ये बूटिंग में टाइम लगेगा। देखिए सेकेंड बूट पे फर्स्ट बूट हमारा फर्स्ट लोगो आया, और सेकेंड बूट पे भी होना चालू हो गया, ये आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपके सामने मैंने 6A का जो ऑनलाइन सेट था, कोई ऑथ नहीं, कोई कुछ नहीं, हमने यहाँ पे जो भी किया केवल 3 स्टेप में जॉब डन हो गया। सबसे पहले हमने फाइल लिया, उसके बाद फ्लैश टूल लिया, उसके बाद हमने एमसीटी बाईपास टूल को यूज किया। बस यहाँ पे मेन मेजर ये था कि आप फाइलों का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टूल का नॉलेज होना वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्टेप है मैंने कुछ नहीं किया, बाकी आप में आप काम कर रहे हो तो मीटर ट्रेक के ड्राइवर आपके में होंगे ही होंगे। तो ये फाइनली हो चुका है फ्रेंड, अभी थोड़ा सा बूटिंग में टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, और जैसे ही हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे कम्प्लीटली प्रोसेस दिखा दूंगा, क्योंकि अभी बूट कर रहा है फोन, और बूट करने के बाद कि हमारा इजली तरीके से हो जाएगा। बट यहाँ पे जो भी मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई है फ्रेंड, आप बहुत ही इजली तरीके से यहाँ पे कर सकते हो एनी मीडियाटेक। तो अब इसको थोड़ा सा टाइम होने देते हैं, अगर एक बार आपको लगता है कि ज्यादा लॉन्ग टाइम ले रहा है तो एक बार इसकी बैटरी को आप रिमूव कर लो और वापस से लगा दो। मैं यहाँ पे लाइव ही कर रहा हूँ आपके सामने, लाइव में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी मैं इसके वीडियो या फेक वीडियो नहीं डालता हूँ अपने चैनल में, जो भी रहता है जेनुअन वीडियो रहता है। तो मैंने एक बार बैटरी को रिमूव करके वापस से लगा दिया, ये फर्स्ट बूट आया हमारा, और जैसा कि मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ वैसा ही हाईलाइट आपके सामने मैंने किया हुआ है, सेकेंड बूट आ गया है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो थोड़े से ही टाइम में, जैसे आप बैटरी को दोबारा आपने निकाल के लगा दिया, ये देख सकते हैं प्रॉपर हमारा फोन ऑन हो चुका है। अब इसमें एम आई अकाउंट होता या एफ आर पी होता तो भी बहुत इजी तरीके से अनलॉक हो जाता। तो चलिए यहाँ पे इसको हम फाइनली आगे बढ़ा देते हैं आपके सामने ही। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे फ्रेंड, और अब यहाँ पे मैंने को इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी चीजें आपको पता है, फिर भी मैं एक चीज और दिखा रहा हूँ इसलिए चालू करके, इसकी सिक्योरिटी की फाइलें आई कि नहीं आई, सिक्योरिटी हमारा आया कि नहीं आया, मेरा मेन मैटर यही सिक्योरिटी दिखाने का आपको। इंडिया अब कर देंगे नेक्स्ट, क्योंकि विद सेफ हमारी जो फ्लैशिंग होनी चाहिए, पहला तो हो गया डेड विदाउट डेड रिस्क, उसके बाद हमारा जो जो हमारी सेफ्टी होती है वो देखते हैं कि गई कि नहीं गई, इसलिए मैं यहाँ पे फाइनली इसको चालू करूंगा और यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि चालू होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंड। आई होप ये हमारा जॉब डन हो चुका है और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इसको स्टेप आगे बढ़ के आपको इसकी सिक्योरिटी भी चेक करा दूंगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं फोन हमारा ऑन हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा ऑन हो चुका है। ऑन करने का मेन मैटर मेरा नहीं था, मेरा मेन मैटर था कि आपको इसकी सिक्योरिटी की फाइलें दिखाना, कि सिक्योरिटी की फाइलें बची हुई हैं कि नहीं बची हुई हैं। तो आप ये देख सकते हो इसमें सिक्योरिटी की फाइल भी सेफ, तो मतलब सेफ तरीके से फ्लैशिंग हुआ है, कोई भी डेड या सिक्योरिटी फाइल डैमेज नहीं हुआ है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।